हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सी अश्विनी रस्तोगी। सो TDS के प्रोविज़न में भी चेंज आ गया, TCS के प्रोविज़न में भी चेंज आ गया। सो आइए समझते हैं, अगर आप फॉरेन कंट्री घूमने जाने की सोच रहे हैं, किसी टूर एंड ट्रेवल वाले से आप संपर्क करते हैं तो TCS कटेगा, जो पहले 5% कटता था, अब 1 जुलाई से 20% TCS एप्लीकेबल होगा। सो टूर एंड ट्रेवल के लिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट चेंज आए हैं। परचेज फॉर ओवरसीज टूर ट्रेवल पैकेज, आपने SOTC थॉमसन कुक्स या कोई बाहर का कहीं किसी से प्लान किया है तो उस पर 5% TCS एट प्रेजेंट अप्लीकेबल होता है, जो 30 जून तक रहेगा। उसके बाद ये सब रेट बढ़ा के 20% कर दी जाएगी। सपोज़ आपने 5 लाख का SOTC का पैकेज लिया यूरोप घूमने के लिए, तो आपसे ट्रैवल एजेंट कहेगा भाई 20% तो TCS लगेगा, तो 1 लाख तो आपको TCS के रूप में पे करना होगा। इस पे कोई भी बेसिक लिमिट नहीं है। 20% दैट मीन्स 20% वो आपको उसका फेवर मिल जाएगा इनकम टैक्स में। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किए बॉन्ड में, स्टॉक्स में, रियल इस्टेट में, आपने किसी अपने नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट दिया तो उस पे भी 20% का रेट, 5% से 20% चेंज कर दिया गया है। हाँ, थ्रीसोल्ड लिमिट 7 लाख होती थी इस पे। थ्रीसोल्ड लिमिट मतलब LRS स्कीम, लिबराइज रेमिटेंस स्कीम में RBI अप टू 7 लाख आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से अगर कोई पेमेंट करते हैं दैट इज एग्जेम्प्ट। बट इसकी भी बेसिक लिमिट 7 लाख को हटा दिया गया है, तो दैट मीन्स अगर आपने 1 लाख का भी नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट दिया you have to collect TCS at 20%. Same, आपने अपने medical treatment के लिए 7 लाख तक का यहाँ पर basic exemption मिलेगा क्योंकि LRS है, और उसके ऊपर अपने medical treatment कराने के लिए कहीं बाहर गए bypass surgery कराने के लिए तो उसमें भी 20% का 5% का rate रहेगा। यहाँ पर कोई change नहीं है, 5% to 5% medical है इसलिए same rate रहेगा। एजुकेशन में भी कोई चेंज नहीं है, अगर आपने लोन लेके अपने बेटे को आउट अब्रॉड भेजा है फॉर कनाडा फॉर ओवरसीज एजुकेशन तो दैट मींस 0.5% ही एप्लीकेबल होगा और उसमें 7 लाख की बेसिक एग्जम्पशन मिलेगी। मैं आपको बेसिक एग्जम्पशन पहले क्लियर कर देता हूँ, ये है क्या। RBI कहता है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड में 7 लाख रुपीज़ का कोई एक्सपेंडिचर किया कर सकते हो, कोई TCS की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। 8 लाख का किया दैट मीन्स LRS में आपने 7 से 8 किया तो यहाँ पर 1 लाख पे एडिशनल पे आपको 0.5% टैक्स देना है। सपोज आपने एजुकेशन के लिए बैंक से लोन लिया और उससे अपने बेटे को आपने पढ़ने भेजा है तो जो लोन लिया है उस 30 लाख एक्सपेंडिचर सपोज आपका आया है तो उसमें 0.5% ऑन 23 पे ही कैलकुलेट होगा। अपने अगर ओन फंड यूज किया तो 5% होगा, ना कि 0.5%। तो यहां पर 5% ही है और परचेज ऑफ ओवरसीज स्टूडेंट ट्रेवल के केस में 20% हुआ है और इन्वेस्टमेंट के केस में 20% हुआ है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड 16 मई को RBI ने एक सर्कुलर इशू किया, वो कहता है कि आपने अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कोई भी एक्सपेंडिचर मीट आउट किए हैं तो वो LRS की कैटेगरी में आएंगे, ओवर एंड अबव 7 लाख आप पे 20% TCS एप्लीकेबल होगा। सो एक LRS समझ लेते हैं होता क्या है। रेजिडेंट के केस में 2,50,000 USD पर एनम आप इंडिया से बाहर लेके जा सकते, नॉन रेजिडेंट के केस में अप टू 10 लाख USD आप पर एनम बाहर लेके जा सकते हो। बट क्रेडिट कार्ड में आपने डेबिट कार्ड से थ्रू कोई पेमेंट किया है तो 7 लाख तक ही एग्जेम्प्ट होगा, उससे ऊपर आपको TCS पे करना होगा। तो ये बात करते हैं, अगर मेरा TCS कट गया तो मैं कैसे एडजस्ट करूं, क्या मैं सैलरी क्लास एम्प्लॉय हूं, मैं अपने एम्प्लॉयर को बता सकता हूं कि मेरा TCS कटा हुआ है, इसको भी आप जो है वाइल कैलकुलेशन ऑफ TDS ऑन सैलरी इसको भी एडजस्ट कर लो। जी हाँ, आप अपने एम्प्लॉयर्स को भी इसका टैक्स का रिबेट ले सकते हो।
ये नॉर्मल टीसीएस है, आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी को मीट आउट करेगा। तो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप बाहर जा रहे हो, आप अपने आईटीआर भी फाइल नहीं करते, और जो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंडिंग करते हो उस पर हम 20% का टैक्स लगा रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है नॉन रेजिडेंट के केस में, वो अगर अपना कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उस पर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये रेजिडेंट एप्लीकेबल। होप सो छोटा सा वीडियो आपको नॉलेज अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। थैंक यू।